हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। सो देखिए ध्यान से, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आरआरबी जेई एसएससी। देखिए ध्यान से, कई सारे बच्चों के मैसेज आते रहते हैं, कई बच्चों ने मेरे को कॉल किया और सब यही सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर कैसे तैयारी करी जाए, क्योंकि ये अभी वैकेंसी ऑलमोस्ट आने वाली है और इसकी हम काफ़ी दिनों से चर्चा कर भी रहे हैं, इवन ऑफलाइन क्लासेस भी कर रहे थे। और साथ के साथ अपन अगर बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी कई बार मैंने बोला कि भाई ये वैकेंसीज आएगी और ये बहुत जल्द आने वाली है, जैसा कि आपको पता भी। और कहीं ना कहीं बस कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे इसका कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी, कब पेपर होगा, सारी चीज़ें। अब बच्चा पूछ रहा था, ठीक है वैकेंसी जब आएगी तब आएगी, आ जाएगी, बट पॉइंट इज दैट कि इसकी तैयारी कैसे चालू करूँ या इसकी तैयारी करने का क्या मतलब एक वो होना चाहिए प्लेटफॉर्म जहाँ से हम चालू करें और जिस हिसाब से मतलब वो क्या ट्रैक है जो मैं फॉलो करूँ। सो देखिए ना, आज के इस वीडियो में आपको क्लियर कट ये बताने वाला हूँ, खासतौर पर आरआरबी जेई एसएससी जेई उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, खासतौर पर कि आपको कौन से क्वेश्चंस लगाने चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए, आप एसएससी जेई की तैयारी कर ही रहे थे या स्टेट जेई की तैयारी आप कर ही रहे हैं, तो अलग अलग एग्जाम की आप तैयारियाँ चली रही हैं आपकी, है ना। बट द पॉइंट इज दैट है कि यहाँ पर बीच में आरआरबी जेई, मेरे पास एक बच्चा भी जैसे कॉल आया कुछ दिन पहले, गेट का बच्चा था, उसने बोला सर मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन कई बार डर लगता है कि गेट में कैसे क्या करेंगे, तो क्या मैं आरआरबी जेई की तैयारी करना चालू करूँ। तो ऐसे मेरे पास अलग अलग तरीके के कॉल्स आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्या ट्रैक रखना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए और कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, सीबीटी 1 को कैसे हैंडल करें, सीबीटी 2 को कैसे हैंडल करें, क्या ये कहानी है। सर ढेरों मेरे पास है, तो उनका मैं एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ, आप इस वीडियो को सुनिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। खासतौर पर मैं आज बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो देखिए तैयारी आप कर ही रहे हैं किसी न किसी एग्ज़ाम की, तो आपका जो कंटेंट है या आप ऐसे कहें कि आपके पास जो सब्जेक्ट नॉलेज है आपके पास है, ये तो पॉइंट इज दैट कि हम किसकी प्रैक्टिस करें और क्या करें हम। सो नाउ आई जस्ट टेल यू, है ना, कि अपने को क्या करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरआरबी जी, देखिए ध्यान से, मेरे पास ये बुक्स हैं, मतलब इन बुक्स को मैं आज लेके आया हूँ, इन बुक्स के भी ढेरों मेरे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो दो पॉइंट हैं जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक तो मैं इन बुक्स के बारे में बताऊँगा जो कि दूसरा पॉइंट है, और जो पहला पॉइंट इसके बाद बताऊँ कि आरआरबी जी या एसएससी आपका जो है उसका एग्ज़ाम कैसे, उसका मतलब कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि एग्ज़ाम इजीली आप निकाल पाओ। ध्यान से मेरी बातें सुना, समझने की कोशिश करना। जैसे मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पर जो वहाँ पर पहली किताब है आरआरबी जेई, ये टेक्निकल है एंड दिस इज़ नॉन टेक्निकल। एक्चुअली इस बुक की अगर बात करूँ, इस बुक की क्या खासियत है, इस बुक में हमने क्या कर रखा है, इस बुक के अंदर क्या है वो बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो आपको केवल इमेज दिख रही, बट इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर हमने क्या कर रखा है कि सब्जेक्ट वाइज हर एक टॉपिक को अलग अलग करके जितने भी प्रीवियस ईयर आपके आरआरबी जेई या एसएससी के क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर विद सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो सर इससे फ़ायदा क्या होगा, जाहिर सी बात है जब इस किताब को आप लगाओगे तो एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन की स्ट्रेटजी या किस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इन दोनों किताबों मैंने क्या कर रखा है, पूरा का पूरा हमने जो हमारे पास टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल दोनों को यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पूरा का पूरा आपने यहाँ पर विथ क्वेश्चंस एंड उसके सॉल्यूशंस को यहाँ पर उस तरह से डिज़ाइन किया गया, और पूरी टीम ने इसको मिलकर काम किया है, तो बहुत ही रिग्रस तरीके से यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस हैं, और जो एरर हैं वो मतलब आप मान के चलिए 0% है, मतलब ना के बराबर, मतलब कोई अगर हो गई हो इत्तेफाक से तो अलग बात है, बट बहुत ही ध्यान से किताब को बनाया गया है, जैसे मैंने बोला 0% एरर है। सो द पॉइंट इज़ दैट कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि बहुत बेनिफिशियल है, ऐसा नहीं कि ये कई बार बच्चों को लगता होगा कि ये जो किताबें आप दिखा रहे हो नहीं वर्चुअल फॉर्म में है, नहीं 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 नहीं, ये देखिए मैं आज इसलिए लेके भी आया हूँ क्योंकि देखिए आपकी जो प्रिपरेशन है ना, कई बार आप सोचते हो तो हमारे पास जो किताब है ना ये फिज़िकली अवेलेबल भी है, ऐसा नहीं कि ये किताब है नहीं, मतलब किताब भी लेके आया हूँ, पूरी किताबें बन चुकी हैं, रेडी हैं, बस आपको इनको मतलब कहीं ना कहीं लेना है और साथ के साथ प्रिपरेशन चालू करनी, क्योंकि आप बार बार ये पूछते रहते हैं, क्योंकि मार्केट में दुनिया भर की किताबें अवेलेबल हैं, आपको लगता है भाई कौन सी किताब मैं खरीदूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको लेंगे, चूंकि जो इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग है, आपको पता है कि सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि मतलब इसमें आपको स्थिरता दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है, दुनिया भर की कोचिंगें आ रही हैं, 6 महीने तक रहती हैं फिर चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता है कि कोचिंग है या नहीं है, कई कोचिंगों का तो ज़मीन पर ही नहीं है, वर्चुअली है, क्या उनका वजूद है पता ही नहीं है। तो आप प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मेरे पास ये आरआरबी जेई टेक्निकल और ये नॉन टेक्निकल, और ये टेक्निकल मेरे पास है और ये नॉन टेक्निकल है, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। खैर देखिए ध्यान से एक बार आप तो इन किताबों को लगाइएगा, जैसे मैंने इस किताब की क्या खासियत है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन मार्क आता है सर ये बगल में क्या एमसीक्यू, अच्छा एमसीक्यू के बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितने भी बच्चे हैं जो इंजीनियर्स एकेडमी से किसी तरीके से भी जुड़े हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब से, सो एवरीबडी नो एमसीक्यूज, है ना, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द एएनजेई,
मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने हमारे टॉपर्स हैं अभी तक के आए हुए हैं, जो आगे आएंगे भी, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, सारे के सारे यही बोलते हैं भाई ये किताबें रामबाण हैं। मैं खुद ही बोलता हूँ यार, मतलब मैं भी पिछले 8-10 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, मैंने इन किताबों को मतलब क्लासेस में कराता हूँ। अभी जैसे मेरा बैच चल रहा है AG फाउंडेशन निम्बस लर्निंग पर, अभी जस्ट मैंने जयपुर में नेटवर्क पढ़ाया, तो मैंने बताया कि भाई इन किताबों को आप लगाओ। अब कई बच्चे जो हो सकता है इंजीनियर्स अकेडमी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं निम्बस लर्निंग से, तो सोचते हैं इस किताब में ऐसा क्या है, इसको आप रामबाण क्यों कह रहे हो AJEE के लिए, नॉट ओनली फॉर SSC JEE, नॉट ओनली फॉर द RRB JEE, SSC, फॉर एवरी स्टेट, चाहे कोई भी JEE एग्जामिनेशन हो, एंड दीज बुक्स आर बेसिकली द रामबाण। सो सर इन किताबों में ऐसा क्या है जो आप रामबाण कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि इसमें लगभग 10,000 के आसपास क्वेश्चन आपके पास हैं, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करता हूँ तो। पॉइंट नंबर 2, अगर इस किताब की बात करें तो इस किताब में मैंने क्या कर रखा है, या हमारी टीम ने इसमें क्या कर रखा है? हमारी टीम में इसमें जैसे कि आप बात करें तो कई सारे क्वेश्चन, जैसे आपको पता है गेट एग्ज़ाम होता है, गेट एग्ज़ाम में कई ब्रांचेज है, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन, और साथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेज, सो उन क्वेश्चन को जो आपके AJEE में पूछे जा सकते हैं, देखिए गेट के सारे क्वेश्चन इसमें नहीं है और ना ही आपको ज़रूरत है करने की, बट वो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या जिनसे आप कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं, उनको बहुत ही थरोली इसमें रखा गया है। फिर हमने क्या करा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन वो जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए हैं, अब इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस बड़ा वाइड है, आपको पता है कई सारी चीज़ें आपके सिलेबस से कोई लेने देना है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं आपके सिलेबस, बट कई बार बच्चा बोलता है सर ES के क्वेश्चन लगा लें, आप बिल्कुल ES के क्वेश्चन लगाओ, मैं आपको मना नहीं करता हूं, बट ध्यान तो रखो कि भाई ES के सिलेबस में है या नहीं। बहुत सारी किताबें बाजार में आती है जो एकदम कट पेस्ट करके बैठी हुई, सारे ES के क्वेश्चन डाल देते हैं, अरे भैया ES का सिलेबस अलग है, आपका सिलेबस अलग है, आपके मशीन में कुछ टॉपिक नहीं आते हैं, कुछ टॉपिक ज़्यादा आते हैं, तो आप देखो तो सही आपके सिलेबस में क्या है, अंधाधुंध क्यों पढ़ रहे हो यार। तो सर इस किताब में क्या किया गया, इंजीनियरिंग सर्विस के उन क्वेश्चंस को डाला गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सर फिर अपन लोगों ने इसमें क्या किया है कि जितने भी इंडिया के, चाहे आपका तमिलनाडु का पेपर हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे कर्नाटका का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे UP राजस्थान, कोई भी स्टेट हो UP का, या फिर आपके पास पूरे के पूरे इंडिया का, चाहे UP हो, चाहे बिहार हो, आसाम हो, तमिलनाडु, कोई भी स्टेट हो, मतलब हर एक स्टेट का, पूरे इंडिया में अगर बात करते हैं, सारे स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इसमें रखा गया है। नॉट ओनली क्वेश्चंस, बस उनके यहाँ पर सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, उनके आपके आंसर्स भी दिए गए हैं। कुछ मेरी बात समझ नहीं आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जब इस तरह से बुक को डिज़ाइन किया जाएगा, इसके पीछे टीम जब काम करेगी, तो 100% ये बुक बहुत अच्छी होगी। और ये बुक कोई ऐसा नहीं कि रातों रात बनी हुई है, ये बुक जो बनाई गई है इसमें काफ़ी मेहनत है और काफ़ी सालों का एफर्ट है ना। तो इंजीनियर्स अकेडमी आपको पता ही होगा, सारे लोग जानते हैं, 2011 से कोचिंग लगातार चल रही है और आज 2024 आ गया है, तो MCQ कोई आज नहीं बनाई गई है, लगातार मॉडिफिकेशंस, लगातार उन क्वेश्चंस को रखना जो आपके सिलेबस में, उनको हटाना जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास एकदम रिफाइंड बुक है, पूरी तरह से अपडेटेड बुक है, ऐसा नहीं है कि जो बाजार में किताब, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये किताब लगा लें, इसमें इतने हज़ार क्वेश्चन है, 20,000, अरे भैया उन्होंने क्या किया है, गेट के सारे क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विसेज के सारे क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम में सारे क्वेश्चन भर दिए और बोले 50,000 क्वेश्चन लगा लो आप, अरे भाई समझो तो सही, आप 50,000 क्वेश्चन ही आपके सिलेबस में हैं, अपने सिलेबस को भी तो देखो आप, अपने लेवल का भी तो देखो आप, जाना तो आप चांद पे जाते हो और आप दिल्ली जाने में तो आपको हालत ख़राब हो रही है आपकी, अरे भैया पहले दिल्ली पहुंच जाओ, चांद के बाद में चले जाना आप, 50,000 क्वेश्चन लगाओगे, 5,000 लग नहीं रहे आपसे। इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आज यहाँ पर आया, बच्चे पूछते रहते हैं सर कौन सी किताब लगाएं, तो आज मैंने सोचा क्योंकि मेरे पास 500 मैसेज पड़े होंगे, तो मैंने सर से बात हुई, हमने कहा सर आज पर एक वीडियो बनाते हैं ताकि हमारे सारे बच्चों को पता चल जाए कि भाई इन किताबों की क्या खासियत है और इनको कैसे लगाना। तो मेरा यही सजेशन है, आप RRB JEE के लिए ये प्रीवियस ईयर लगाएं ताकि आपको पता लगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद में आप इन किताबों को कर लीजिएगा जो कि टेक्निकल लगभग 10,000 क्वेश्चन है, सारे सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं जो आप एग्ज़ाम में आते हैं। मुझे लगता है इसके बाद आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहें, कॉपी में जो पढ़ाया गया, फैकल्टी जो पढ़ा रही है, उन नोट्स को रिवाइज करते रहो, दैट्स इट। देखिए ध्यान से, ये बुक भी मैं एक बार आपको फिजिकली दिखा देता हूँ, ये मेरे पास MCQ है, दोनों MCQ Volume 1 Volume 2, ये भी मेरे पास है, तो ये मैं आज किताब भी लेके आया आपको कि भाई दिखा देता हूँ फिजिकली, वो बच्चों जो अभी इंजीनियर्स अकेडमी से नहीं जुड़े हुए हैं या निम्बस लर्निंग से नहीं जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हैं उनके पास किताबें हैं ऑलरेडी हैं, और जो लोग किसी भी तरीके से डायरेक्टली नहीं, तो इन किताबों को करिएगा, क्योंकि ये मतलब सबसे अच्छी बात है कि अपडेटेड हैं, एरर फ्री हैं, और दूसरी बात है कि इन पर भरोसा कर सकते हो आप,
समझ हमारी बात नहीं आ रही है। और जाहिर सी बात अगर आपको कोई बता दे कि भाई किताबें लगानी है तो ऑब्वियस सी बात इनको आप लगा लो, इनकी प्रैक्टिस कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो होप सो आपको मेरे इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो 500 स्टूडेंट हैं, कई सारे बच्चों को मैसेज आते हैं, उनके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्या करना है RRBJ के लिए, कौन से क्वेश्चन लगाने चाहिए और एक्स्ट्रा और कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो मैं डेफिनेटली मेरे पास वही है, वन मैन आर्मी जैसे बोलूँ कि MCQ, दैट्स इट। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पूरी बात क्लियर हो गई है। और कोई भी डाउट हो आपको इन किताबों से लेकर, या आपको जैसे कई बार बच्चा पूछता है इनको परचेज कैसे करना है, तो ये www.eapublication.org यहाँ से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको किताबें मिल जाएंगी, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कोई भी और डाउट हो इन किताबों को लेकर, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.